खान कौम खान को लेने आ रहे हैं, पाकिस्तान के महबूब लीडर को हम रिहा कराएंगे। हमारे दोनों काफिले में कुल मिला के 3 से 4 लाख अफराद शामिल है। जो DPO अटक ने कहा था तब पुराना अंदाज में कि ये रेड लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, रेड लाइन जो है वो भी क्रॉस हो गई है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इनको चाहिए कि फौरन इमरान खान साहब को रिहा करें और वो आए टी चौक में अपने कारकुनान और पूरी कौम से वो खिताब करें। उसके बाद इंशाल्लाह वो कह देंगे कि जी आप अपने घरों को लौट जाए, तो इंशाल्लाह उसी टाइम अपने घरों को लौट जाएंगे। अगर कोई हमसे बातचीत करेगा तो हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात से ना पहले पीछे हटे हैं ना अब पीछे हटे हैं। तो जो भी होगा पूरी कौम के सामने होगा। जो चीज अपने साथ लाए थे तो वो थी, तो मुझ समेत तमाम जितनी भी कारकुनान है उन्होंने कल से खाना नहीं खाया क्योंकि होटल वगैरह सब कुछ बंद थे, लेकिन उनका जज्बे जो है वो अभी भी बड़े जबरदस्त है। तो इस मुश्किल हालात में जो पार्टी के साथ कमजोरी दिखाएगा तो वो पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान और तमाम चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो सर वालेकुम सलाम, बताए कहाँ पहुंचे और कितने लोग हैं सर आपके काफिले में इस वक्त? बस हम हटला से खड़े हैं, हमारे CM अली अमीन के नागपुर साहब जो स्वादी से काफिला लीज कर रहे थे वो उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह अगले आधे घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। इस टाइम हमारे दोनों काफिले में कुल मिला के 3 से 4 लाख अफराद शामिल है। 3 से 4 लाख अफराद का काफिला है आपके पास? इससे भी शायद ज्यादा हो, क्योंकि मैंने सारी का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ जो मेरा काफिला मौजूद है उसमें कम अज कम 2 से 2.5 लाख अफराद मेरे साथ इस काफिले में मौजूद है। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद और सिटी के लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले 2 से 2.5 घंटे में ये तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। और इस्लामाबाद में कब तक पहुँचेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेड है? बस इंशाल्लाह जो चीफ मिनिस्टर साहब पहुँचते हैं उनकी जो हिदायत होगी तो उन्हीं हिदायत को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जो पुलिस की तरफ से रिस्पांस आ रहा है रोकने के लिए शेलिंग की जा रही है वो कैसे डील कर रहे हैं? जो DPO अटक ने कहा था तक पुराना अंदाज में कि ये रेड लाइन नहीं क्रॉस कर सकते, तो हम वो भी क्रॉस कर चुके हैं। बल्कि मैं इस टाइम आपको ये बताता चलूं कि मैं अटक की जमीन पे खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरा काफिला है। कल पिछले तकरीबन रात 2 बजे से मैं अटक में हमारा पड़ाव है और अब तक का तो जितनी भी पुलिस आए हैं वापस भागने में कामयाब हो गए हैं। और आपने वो रेड लाइन क्रॉस कर लिया है जिसके बारे में कहा जा रहा था आप नहीं क्रॉस कर सकेंगे? जी देखिए रेड लाइन जो है वो भी क्रॉस हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी मुलाकात की चौक पे। और ये जो रेड लाइन आपने क्रॉस किया है इसमें कितनी मुश्किल हुई, किस तरह आपने क्रॉस की? जी देखिए मैं जिस रूट से आ रहा था हथला डी खान मोटरवे से, मेरे साथ फैसल अमीन गंडापुर भी मौजूद थे और दीगर हमारी लीडरशिप जो मकामी लीडरशिप है वो तमाम हमारे साथ थे। वहाँ हमें तकरीबन 12 से 13 रुकावटें उबूर करके आए हैं और हमारे सवारी में जो या कट्टी पहाड़ी की जो था वहाँ पे 30 से 35 हजार रेंजर और पुलिस के एहलकार तैनात थे और हमारे रास्ते में जगह जगह पे 400, 500, 1000, 2000 तादाद बढ़ती गई। लेकिन हमारे कारकुनान जो है उनका हौसला बुलंद था और बड़े परमन जबरदस्त तरीके से हम इधर पहुंचे। हमने देखा कुछ विजुअल्स देखे जिसमें कोई 30 से 40 पुलिस एहलकारों को कारकुनान ने गिरफ्तार किया है, उनके चेहरों पर कपड़े डाले हुए थे, ये क्या मामला पेश आया है? जी देखिए वो तो पुलिस वाले जिन जिनको भी तरीके साहब के कारकुनान ने पकड़ा था हमने उनको बाइज्जत तरीके से उनको हमने छोड़ दिया। और इसके अलावा तरीके साहब परमन जमात है, हमने ये पैगाम दिया उनको कि हम वहां से नहीं जाने देंगे। ठीक है, और इस वक्त मुजाकरात के मामला कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि खबरें आ रही हैं अडयाला जेल में कोई मुलाकात हुई? मुझे मैं रास्ते में हूँ पिछले 2 दिनों से, तो ना मुझे मुजाकरात का पता है और ना मुझे हाल अहवाल का, क्योंकि ना मैंने मीडिया देखा है और ना मैं मेरा कोई रब्ता हुआ है पार्टी की लीडरशिप के साथ, तो जो भी होगा पूरी कौम के सामने होगा। ठीक है, मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका आगे क्या इरादा है, आपको इंस्ट्रक्शंस क्या मिल रही हैं, आपने किस तरह आगे चलना है, कोई धरना देना है या इस्लामाबाद पहुंच के वापस चले जाना है? जी देखिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इनको चाहिए कि फौरन इमरान खान साहब को रिहा करें और वो आए टी चौक में अपने कारकुनान और पूरी कौम से वो खिताब करें। उसके बाद इंशाल्लाह वो कह देंगे कि जी आप अपने घरों को लौट जाए, तो इंशाल्लाह उसी टाइम अपने घरों को लौट जाएंगे, खान को नहीं छोड़ेंगे, इनके लिए उतने मसायल होंगे। ठीक है, कहा जा रहा था कि खान को रिहा करवा के वापस जाएंगे, कारकुनान का जो इस वक्त हमने अली मीन गंडापुर साहब को देखा है कि उन्होंने घेरा हुआ है, वो कह रहे खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे हम, तो
तो खान तो हम खान को लेने आ रहे हैं, तो हमें वापस किधर जाना है? अपने खान को लेंगे, पाकिस्तान के कौमी लीडर को, पाकिस्तान के महबूब लीडर को हम रिहा कराएंगे। हम पिछले 8 महीनों से हमने अदालती जंग लड़ी, असेंबली के अंदर, ईवान के बाहर, हर जगह हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है उसके बाद हमें ये अंदाजा हो गया था कि अजिया से हमें इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। तो जब आप कौमी लीडर को गिरफ्तार करेंगे, कहते हैं हाथ में रखेंगे, तो फिर जो हैरतमंद कौमें होती हैं उनको अपने लीडर लेने का तरीका आता है। ठीक है खटक साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, बता दीजिएगा, आप जिम्मेदार भी हैं। कहा जाता है कि माजी की तरह ये प्रोटेस्ट भी शायद कहीं ना कहीं तितर बितर हो जाए, या कहीं इसको भी कोई मुज़ाकरात जो है रस्ते में कर लिए जाए, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए सियासी जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन करने वाले लोग हैं। मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान साहब ने कमेटी भी अनाउंस की है, अगर कोई हमसे बातचीत करेगा तो हम बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार हैं, और मुज़ाकरात से ना पहले पीछे हटे हैं ना अब पीछे हटे हैं। हमारे 3 बड़े सादों से मुतालबात है, हमें उनकी गारंटी दी जाए, उनको फिर फॉर्म मंजूर किया जाए, तो हम वापस घरों को लौट जाएंगे। हाँ, जो सबसे हमारा बड़ा मुतालबा है, अगर उसको फिर फौर मंजूर कर लिया जाए तो बाकी मामला इमरान खान साहब जब बाहर आ जाएंगे वो खुद ही देख लेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई जो है ये हम हर सूरत में ही है। ठीक है, और बुशरा बीबी और अली मिन गंडापुर साहब वाला जो काफिला है वो कब तक आपके काफिले के साथ जुड़ेगा, कब तक जम होगा? मैं रास्ते में खड़ा हूँ उनके इस्तकबाल के लिए, वो इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट में हमारे साथ मिल लेंगे, और कारकुनान की आमद जो है वो शुरू हो गई, हमारे फैमिली पहुंच गए हैं, और इंशाल्लाह 5 से 10-15 मिनट में हमारे तमाम काफले जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इन काफलों को खाने पीने का क्या इंतजाम है, आप कैसे चीजें मैनेज कर रहे हैं इस वक्त? बात बताऊँ तो हमारे कारकुनान कल से भूखे और प्यासे हैं, जो चीजें अपने साथ लाए थे तो वो थी, इसके अलावा खाने का जो है वो थोड़ा सा मसला है, लेकिन हमारे कारकुनान जो है वो फसल की आजादी तहरीक में किसी भी कुर्बानी से दरेर नहीं कर रहे, तो मुल्क समेत तमाम जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने कल से खाना नहीं खाया क्योंकि होटल वगैरह सब कुछ बंद थे, लेकिन उनका जज्बे जो है वो अभी भी बड़े जबरदस्त है। ठीक है, इंटरनेट वगैरह आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, मसाइल होंगे ये सारी चीजें? जी देखिए, अभी आपसे मैं डायरेक्ट कॉल से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन एक आध जगह पे हमें उसकी सहूलियात, इंटरनेट की सहूलियात मैसर आई, तो हमने कुछ अपडेट फोन के सामने शेयर किए, इसके अलावा इंटरनेट जो है वो बंद है। ठीक है, और आखिर में बता दीजिएगा डी चौक में आपको हम कितनी देर में देखेंगे, आज देखेंगे कल देखेंगे, क्या सिचुएशन है? देखिए, हमारे पार्टी ने जो प्लानिंग की है हम आपके साथ प्लान के तहत जा रहे हैं, और इस दफा और पिछली दफा में फर्क ये है कि लास्ट टाइम चूंकि हमारे तरमीम का मामला था, हमारे ज्यादातर MNA और लीडरशिप को इमरान खान साहब ने मना किया था कि आपने पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन इस दफा इमरान खान साहब की वाजह हदायत की पूरी पार्टी लीडरशिप को कि सबने निकलना है, और इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक मैनेजिंग कमेटी बनाई है जो तमाम जितनी भी लीडरशिप है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे, जो लोग इस तहरीक में लीड कर रहे हैं, जो इस तहरीक को आगे चला रहे हैं, तो आज वो कौमी हीरो बने हुए हैं, तो इस मुश्किल हालात में जो पार्टी के साथ कमजोरी दिखाएगा तो वो पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तमाम चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। ठीक है, शायद घटक साहब आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, जज़ाकअल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है, पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है, पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है, इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावराए आइन मावराए कानून मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है, सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है, तमाम तर कानूनी मुआज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए, क्या सवाल ना करें, क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं, क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है, और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है, या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।